हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है पांच तरह से पुराने कपड़ों को यूज करने का तरीका बताऊंगी। और आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि पुराने कपड़ों को कैसे रीयूज करें, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जब भी कपड़ों को फोल्ड करें तो जो कपड़े पुराने हो गए हैं उनको जो डिस्कार्ड कर देना चाहिए, और जो थोड़े बहुत यूज के लायक हो उन्हें अपने घर में यूज कर लेना चाहिए, और बाकी जो वैसे हो उनको डोनेट वगैरह कर देना चाहिए। तो वो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा और हमारा जो है कवर्ड भी थोड़ी सी खाली हो जाएगी। तो ये मैं कुछ कपड़े को मैंने फोल्ड किया, तो ये बनियाइन वगैरह जो थे ये मैंने रख लिया है। तो इसको जो है मैं पांच तरीके से इसको यूज करने का तरीका बताऊंगी और बहुत ही हेल्पफुल ये है। तो सबसे पहले इस तरह के जो है इसके कटिंग कर लेने हैं, और इसको किसी भी साइज में हम कट कर सकते हैं, छोटे बड़े। और दो तरह से यहाँ में मैं कट करूँगी, एक तो बड़ा और दूसरा छोटा। और इस तरह से देखिए मैंने कट करके रख लिया है, और एक ये है, एक ये है, और एक ये बड़ा मैंने रखा है। तो इसका मैं जो है वाइप्स बना के रखूँगी, जैसे आप मार्केट में वाइप्स खरीदते हैं तो उसी तरह का ये वाइप्स बन करके तैयार होगा। और जब भी हमें यूज करने का होगा तो हम इसमें से यूज कर लेंगे। सबसे पहले इसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, आप चाहें तो कोई भी कार्डबोर्ड का ले सकते हैं, या कोई भी डब्बे जो होती है आपके घर में जो पड़ी है आप उसमें ले सकते हैं, और एक एक सिंगल सिंगल पीस इस तरह से करके आप इसमें रख सकते हैं। और फिर जब भी ज़रूरत पड़े आप इसमें से एक एक निकालिए, और जहाँ भी आपको यूज करना हो आप उसमें से लेके यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही बेनिफिट होता है इस तरह के कॉटन के कपड़े। और तो सबसे पहला ये मैं अपना ड्रेसिंग टेबल को मैं क्लीन कर रही हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कॉलिन डाला है और उसी वाइप्स से मैंने यहाँ पे इसको क्लीन कर रही हूँ। तो बहुत ही आसानी तरीके से जो है ये हमारे क्लीन भी हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी तरह से ये साफ भी हो जाएगा। और ये कपड़ा देखिए अभी भी फेंकने लायक नहीं है, तो इसका भी दूसरा जो है रीयूज करने का तरीका मैं बताती हूँ। और फिर उसी कपड़े से जो कॉलिन है, थोड़ा सा कॉलिन डाल के जो सीसा वगैरह जो होता है उसी से फिर हम सीसा भी पोछ सकते हैं इस तरह से, क्योंकि सीसा जो होता है हमारे घर के बहुत ही होते हैं, तो उसको इस तरह से हम क्लीन कर सकते हैं। और उसके बाद ये तीसरा है कि हमारी जो चिमनी होती है उसके बाद हम जो गीला है कपड़ा उसी गीले कपड़े से हम अपना ये चिमनी ऊपर का जो है पोछ सकते हैं, और बहुत ही बेनिफिट ये होता है। तो इस तरह से आपको जो है ये चिमनी भी क्लीन हो जाएगी। और एक दिन में आपको एक ये वाइप्स लेना है और एक दिन की क्लीनिंग आपकी अच्छी तरह से ये हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये चिमनी भी क्लीन हो गई है। तो इस तरह के जो कपड़े होते हैं छोटे छोटे जो कॉटन के, उसको आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद उसी कपड़े से फिर यहाँ मैं कूलर जो है मेरा यहाँ पे मैं उसको साफ़ कर रही हूँ, और देखिए कितनी अच्छी तरह से ये भी साफ़ हो गया है। और लास्ट में एक ऐसा तरीका बताऊँगी जो आप देख करके चौंक जाएंगे कि हाँ किस तरह से एक कपड़े से कितनी सारी जो है क्लीनिंग हो गई, और हमारे जो है एक दिन की जो है डस्टिंग आराम से ये हो गई है। तो सब कुछ क्लीन करने के बाद ये लास्ट में मैं अपनी चिमनी का जो नीचे वाला ऑयल वाला सेशन होता है उसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। देख सकते हैं कितना जो है ऑयल वगैरह ये इसमें लगा हुआ है, और बहुत ही आसानी से ये साफ़ हो गया है।
तो लास्ट में जो भी ऑयल का आपका कंटेनर हो या ये चिमनी हो, इस तरह के जो है लास्ट में हम उसको पोछ लेंगे। और इसको जो है पोछने के बाद ना इसको रखने की आवश्यकता नहीं है, अभी मैं बताऊंगी कि इसको क्या करना है। तो इस तरह से हम आसानी से अपनी चिमनी वगैरह को पोछ सकते हैं और जो भी ऑयल कंटेनर वगैरह है उसको भी हम आसानी से पोछ सकते हैं। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये जो है सफाई हो गई है। और फिर लास्ट में देख सकते हैं कि कितनी गंदगी चिमनी से निकली है, और इसको फिर क्लीन करने की ज़रूरत नहीं, आप इसे सीधे डस्टबिन में डाल दीजिए। और क्योंकि एक जो है इस तरह के वाइप्स बना के रख लेने से एक दिन जो आपकी क्लीनिंग आराम से जो है वो हो जाएगी। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए। और फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।